जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपको विंडोज 11 24:2 को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और उस वीडियो में मैंने क्रिस टाइटस टूल का यूज किया था और आप लोग से पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि बिना टूल के मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाए। तो आप में से कई सारे लोगों ने इसकी डिमांड करी थी कि मैं मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन पे वीडियो लेके आऊं। तो आज इस वीडियो में गाइस हम फुल यहां पे पीसी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और अगर आपने इस ऑप्टिमाइजेशन को कर लिया तो आपको किसी अदर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सारे मेथड यहाँ पे सेफ होने वाले हैं। मैं आपको ब्रीफली बताता जाऊँगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन आपको क्यों करना है। तो बस वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि आपके सारे मैनुअल मेथड हैं, और काफ़ी मेथड मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जब आपका ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो तो आपको एक अच्छा खासा फर्क यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ऑप्टिमाइजेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट कर लीजिए, ताकि कल को अगर आपकी कोई सेटिंग प्रॉपर काम नहीं करती है तो आप मुझे गाली देने से बेहतर है कि आप उसको यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो इसी स्टेज पे जहाँ से आपने ऑप्टिमाइजेशन को शुरू किया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए, और इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल है। रीस्टोर टाइप करिए, सजेशन में चूज करिए क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, और इस तरह का बॉक्स आएगा नीचे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर ये हाईलाइटेड नहीं है, ग्रेड आउट है, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके सिस्टम प्रोटेक्शन को आप यहाँ पे ऑन कर लेना, फिर ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो क्रिएट पे क्लिक करिए, जो भी नाम आप देना चाहते हो, विन 11 ऑप्टिमाइजेशन या जो भी आपको बेहतर लगे वो नाम दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करिए, और कुछ ही सेकेंडों में एक रीस्टोर पॉइंट अब आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है, क्लोज पे आप क्लिक करो, ओके करो। अब ऑप्टिमाइजेशन से पहले मैं आपको फिलहाल अभी करंट स्टेटस दिखा देता हूँ टास्क मैनेजर को ओपन करके, और टास्क मैनेजर में हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। तो अभी फिलहाल देख लो, यूटिलाइजेशन मेरा अप्रॉक्स 70% है, प्रोसेस 155 है, थ्रेड अराउंड 2000 के आसपास है, और हैंडल अराउंड 65 या 66,000 के आसपास है। क्लियर? तो इसी को हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि कम से कम हमारा यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइज हो, और जो भी लैगिंग और स्लो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारे यहाँ पे ठीक हो जाए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डिसेबल करना है विंडोज सर्च इंडेक्सिंग अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली इसको नोटिस किया है गाइज, लास्ट वीडियो भी मेरी इसी पे थी। तो बेसिकली विंडोज सर्च इंडेक्सिंग क्या होता है कि जब भी आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो और आपको कोई फाइल सर्च करनी होती है आपके डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में या लोकल डिस्क सी में, तो आप इधर सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं उस फाइल का नाम, तो ये आपको सर्च करके उस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचा देता है। अब इसका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते। अगर आप यूज़ नहीं करते तो इस फीचर को आप यहाँ पर डिसेबल करिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो सर्विसेज, एंटर कराइए। सर्विसेज का बॉक्स आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू की को आप प्रेस करो ताकि डब्ल्यू सेक्शन में आ जाओ, और इधर थोड़ा से नीचे आने पे आपको मिल जाएगा विंडोज सर्च वाला ऑप्शन, इस पर आप डबल क्लिक करिए। स्टार्टअप टाइप को ड्रॉप डाउन से चूज करिए डिसेबल, और स्टेटस को यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए ताकि आपकी सर्विस स्टॉप हो जाए। बस अप्लाई और ओके करिए। अब इसे यहाँ से क्लोज करिए। नेक्स्ट में हमें डिसेबल करना है गाइस फास्ट स्टार्टअप ऑप्शन को। अब फास्ट स्टार्टअप क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक नया ऑप्शन है जो हेल्प करता है आपके विंडोज को जल्दी शट डाउन होने में और जल्दी ऑन करने में, लेकिन इसकी वजह से कंप्यूटर आपका कंप्लीट तरीके से शट डाउन नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको लैगिंग या मल्टीपल अदर तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कमांड टाइप करिए पावर cfg.cpl और एंटर कराइए। इधर आपका पावर प्लान जो भी होगा वो सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर ये सिलेक्टेड है आपका बैलेंस्ड पे, तो इसे आप या तो हाई परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करो, अगर यहाँ पे शो नहीं करता तो शो एडिशनल प्लान पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस में क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा लेकिन बैटरी आपके यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगी, इवन सीपीयू भी जल्दी ज़्यादा यहाँ पे काम करता है। अगर आप लैपटॉप पे हो और लैपटॉप की बैटरी को लेके आपको ज़्यादा कंसर्न है तो इस ऑप्शन को आप बैलेंस पे रहने देना, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, बैटरी की उतनी चिंता नहीं है, तो फिर इस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको मिलेगा चूज़ व्हाट द पावर बटन डज, इस पर आप क्लिक करिए।
और ये देखिए शटडाउन सेटिंग्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगा फास्ट स्टार्टअप वाला ऑप्शन। तो ये बेसिकली हो सकता है आपका यहाँ पे सिलेक्टेड हो, ये चेक हो सकता है, इसे आपको यहाँ पे अनचेक करना है एंड उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक करिए, बस काम खत्म। अब नेक्स्ट गाइस, अपने विंडोज 11 में कुछ अनवांटेड एनिमेशन को भी हमें डिसेबल करना है और इसके लिए अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, टाइप करिए sysdm.cpl और एंटर करिए। इस तरह का सिस्टम प्रॉपर्टीज का बॉक्स आएगा, यहाँ पे टॉप ऑप्शन में आपको क्लिक करना है एडवांस्ड पे, फिर परफॉर्मेंस के नीचे मिलेगा सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक करो और ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होगा, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। और ये सारे एनिमेशन आपके सिलेक्टेड हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको स्मूथ परफॉर्मेंस में, हालांकि एनिमेशन देता है लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और कुछ यहाँ पे ज़रूरी एनिमेशन है जिनको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, लाइक एनिमेट विंडोज व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन और स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। बस इतना करने के बाद अप्लाई पे आप क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक करिए और इसी पेज में गाइस नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है जहाँ पे हमको वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे बढ़ाना है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन उन्हीं के लिए है जिनकी रैम यहाँ पे कम है, लाइक 2GB, 4GB, 8GB, इवन 16GB भी है, तो आप इस ऑप्शन को अप्लाई करना, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी रैम है तो इस ऑप्टिमाइजेशन को आप स्किप कर दीजिएगा। तो दोबारा से यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले में सेटिंग्स पे आप क्लिक करो, अब टॉप में यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस्ड पे, फिर आपको मिलेगा वर्चुअल मेमोरी वाला ऑप्शन, इधर आप क्लिक करो चेंज पे, ये सिलेक्टेड होगा ऑटोमेटिकली पे, अनचेक करिए, कस्टम साइज पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे एंटर कराना है इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी रैम, फिजिकल रैम अभी आपके डिवाइस में कितनी लगी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करिए टास्क बार पे, टास्क मैनेजर पे क्लिक करिए, लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर मेमोरी पे, और ये देखो आपके जो भी रैम होगी वो यहाँ पे शो करेगी। जैसे मेरी 4GB है तो मुझे पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जो इनिशियल साइज होगी आपको उसका 1.5 टाइम यहाँ पे डालना है MB में। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर में 1GB में होते हैं 1024 MB और हमारी ये 4GB, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हमारा आ गया टोटल साइज इन MB। अगर आपकी 8 है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करना, 16 है तो 16 से करना। अब इसे इनिशियल साइज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, मतलब 1.5 से, और ये वैल्यू आ गई तो इसको राउंड फिगर में एंटर करा लेंगे 6000। फिर आता है मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज में 1.5 की जगह पे हमको मल्टीप्लाई करना है बाय 3 से, तो अगेन 4GB को कन्वर्ट कर लेते हैं MB में, तो 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ गया, इसको भी राउंड फिगर में कर लेंगे 12,000। बस काम खत्म, सेट पे आप क्लिक करो, ओके ओके, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट गाइस, इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी स्टार्टअप में इनेबल हो जाती है, और जब भी अपने आप डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो सारी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के साथ लोड होती है, और इसकी वजह से आपका कंप्यूटर लोड स्लो भी होता है और इवन वो बैकग्राउंड में रन होने की वजह से आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए राइट क्लिक करिए, टास्क बार पे, टास्क मैनेजर पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे स्टार्टअप वाला ऑप्शन, और स्टार्टअप ऐप में देखो जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको शो करेगी, लाइक वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, टीम है, डिस्कॉर्ड है, स्काइप है, तो जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिनको आप मैनुअली ओपन कर सकते हो जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी उसे यहाँ से आपको डिसेबल करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिसेबल कर रखा है, एज भी मुझे जब चाहिए होगा मैं ओपन कर लूँगा तो डिसेबल कर देंगे, वन ड्राइव को डिसेबल कर देंगे, और इसी तरह से जितनी भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे आप डिसेबल करिए, क्लियर। अब इसके बाद गाइस कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जिन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिसेबल करो अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। मैंने इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अपने विंडो सर्च पे आप क्लिक करो, टाइप करो सर्विसेज, एंटर कराइए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइस में सर्विसेज होती हैं, एप्लीकेशन होती है, उनकी सारी सर्विस यहाँ पे आपके नोटेड डाउन होती हैं
और अगर आप ऐसी कोई सर्विस है जिसका आप यूज ही नहीं करते हो तो उसको रन करने का भी कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफर सर्विस, इसका आपको यूज नहीं है, इस पर आप डबल क्लिक करो, इसको यहाँ पे आप डिसेबल करो, स्टॉप करो। बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन सर्विस, अब देखिए बिट लॉकर यार मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि यूज नहीं करते, तो अगर आप बिट लॉकर का यूज कर नहीं रहे तो इसकी सर्विस को क्यों रन होने दे रहे हैं अपने डिवाइस में, इसको भी आप डिसेबल करिए, डबल क्लिक करिए इस पर, ड्रॉप डाउन से इसको डिसेबल करिए, अगर ये स्टार्ट है तो आप स्टॉप करके अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करा दीजिए। फिर है आपकी कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, तो इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये भी आपको नहीं रिक्वायर्ड है, तो ड्रॉप डाउन से आप क्लिक करो, डिसेबल करो और स्टॉप पे क्लिक करके अप्लाई एंड ओके पे आप क्लिक कर दो। अब इसी तरह से गाइस आपको देखना है, अगर क्रिप्टोग्राफिक वगैरह भी आप यूज नहीं करते हो तो बेटर है कि आप उसको यहाँ पे डिसेबल करिए। और नीचे आने पे आपको मिलेगा जियो लोकेशन सर्विस, गेम DVR, अगर इन तमाम फीचर का आप यूज नहीं कर रहे लाइक हाइपर वी, तो इन सब को आप वन बाई वन डिसेबल करिए। और इस पे गाइस मैंने एक बैट फाइल बनाई है, अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हो तो उस बैट फाइल को मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप राइट क्लिक करके उसे रन एज एडमिन कराइए, आप उसे चाहो तो देख भी सकते हो कि सारी सेफ फाइल है उसमें, आप उसको रन करा के एक बार में सारी सर्विसेज को भी डिसेबल कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी काम है जो ऑप्टिमाइजेशन में आपको ज़रूर से करना है। अब इतना करने के बाद इसे भी क्लोज करिए। नेक्स्ट गाइस कुछ अनॉइंग परमिशन वगैरह भी है जो आपके बैकग्राउंड में रन होती है, उसको भी आपको डिसेबल करना है, तो अपने विंडोज आइकन पे आप राइट क्लिक करिए और सजेशन में चूज करिए सेटिंग्स, लेफ्ट इन मेन्यू ऑप्शन में आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, और इधर देखो जो ये विंडोज परमिशन है जनरल पे जब आप क्लिक करोगे तो यार ये सारी फालतू की चीज़ें हैं जिन्हें आप डिसेबल करो, आप इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस सबको यहाँ पे आप डिसेबल करिए, बैक जाइए, स्पीच के साथ भी आप सेम करिए, इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, सबको आप डिसेबल करो। ऐप परमिशन में देखो, अगर आप लोकेशन का यूज़ नहीं करते हो लेकिन फिर भी अगर ये ऑन है तो क्यों ज़रूरत है इसको ऑन रखने की, आप इसे अभी के अभी डिसेबल करो ताकि आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, बैक जाइए। फिर जैसे माइक है, कैमरा है, नोटिफिकेशन है, इन सबको आप डिसेबल करो ताकि अनॉइंग नोटिफिकेशन आपको ना देखने को मिले। और फिर नीचे आने पे देखो फोन कॉल है, कॉल हिस्ट्री है, यार मुझे नहीं लगता कि कोई इसका यूज़ करता है तो इसको क्यों रखने की ज़रूरत है, फ़ोन कॉल है, कॉल हिस्ट्री है, कोई ज़रूरत नहीं इसको यूज़ करने की, इसको भी हम डिसेबल करेंगे। इसी तरह से ईमेल है, अगर आप ईमेल क्लाइंट यूज़ नहीं करते तो आप डिसेबल करो, मतलब अगर आप ब्राउज़र पे गूगल वगैरह यूज़ करते हो, जीमेल या हो, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये बेसिकली जो मेल एप्लीकेशन होती है आपके विंडोज़ पे उसके लिए होता है, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। और नीचे आने पे आपको रेडियोज़ मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं हमें रेडियो की, इसे भी डिसेबल करेंगे। तो आप इस तरह से जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रही हैं जिसकी परमिशन इनेबल है आप इसको इधर डिसेबल करिए। अब इसके बाद गाइस इधर ही सेटिंग्स में ही आपको मिलेगा गेमिंग वाला ऑप्शन, और इधर गेम मोड मिलेगा और गेम बार मिलेगा, तो गेम बार को आपको डिसेबल करना है अगर आप इसका यूज़ नहीं करते रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, बैक जाइए और गेम मोड को यहाँ पे आपको इनेबल करना है, स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो इससे हाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिलता है, तो इसको यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करना है पर्सनलाइजेशन पे, और नीचे आने पे मिलेगा आपको कलर वाला ऑप्शन, और कलर में आप मिलता है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, ये आपका इनेबल होगा, इसे भी आपको इधर डिसेबल कर देना है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सिस्टम, इस पर क्लिक करिए, डिस्प्ले पे क्लिक करिए, और नीचे आने पे एडवांस डिस्प्ले मिलेगा, इधर क्लिक करिए, और एडवांस डिस्प्ले में देखो नीचे मिलता है आपको रिफ्रेश रेट, और अगर आपका रिफ्रेश रेट अभी भी सिलेक्टेड है एक बहुत लोअर कैटेगरी पे लाइक 30 Hz पे, तो आप इसको बढ़ा के देख सकते हो, अगर आपके पास एक मॉडर्न यहाँ पे मॉनिटर है और आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो जो भी सपोर्टेड है आप वो यहाँ पे देख पाओगे, तो एक बार ही थोड़ा से बढ़ा के देखो, और रिफ्रेश रेट को बढ़ाने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ऑप्शनल है, आप इसको ट्राई करो एंड यूज़ करो, अपने से टेस्ट करो, अगर आपको परफॉर्मेंस मिलता है तो ठीक है, वरना आप इस एक्शन को रिवर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस बैक जाना है आपको, और बैक जाने के बाद नीचे आने पे आपको मिलेगा ग्राफिक वाला ऑप्शन रिलेटेड सेटिंग के नीचे, इस पर आप क्लिक करिए, और ग्राफिक सेटिंग में गाइस ये एक ऑप्शन है बड़ा अच्छा, जहाँ पे आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को या गेम को एक हाई परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हो,
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई गेम खेलते हैं, वैलोरेंट है, फोर्टनाइट है, एपेक्स लेजेंड है, पबजी है, या पर्टिकुलर कोई वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि उसको यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस मिले, तो उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे सर्च करना है। अगर नहीं शो करता तो आपको ऐड एन ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा ऐड डेस्कटॉप ऐप, इस पे आप क्लिक करो। अब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, मतलब उस गेम या एप्लीकेशन के पाथ पे जाना है। अगर आपको नहीं पता तो उस गेम या एप्लीकेशन का नाम आप टाइप करिए सर्च पे और वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं एच को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, और ये देखिए इसका पाथ आ गया है। अब टॉप पे इसका आप एड्रेस बॉक्स से पाथ को कॉपी करिए, क्लोज करिए। अब इस पाथ को यहाँ पे आप पेस्ट कराइए, एंटर कराइए, और यहाँ पे देखो उस गेम का एप्लीकेशन का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो, अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। अब इसके राइट पे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो देखो आपसे पूछेगा जीपीयू परफॉर्मेंस, सॉरी जीपीयू प्रेफरेंस, इसे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हो हाई परफॉर्मेंस पे। तो अब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या गेम है, ये अब आपका हाई परफॉर्मेंस पे रन करेगा, जिससे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और गेम में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद गाइस दोबारा से आप सिस्टम पे जाइए और इधर नीचे आने पे आपको मिलेगा स्टोरेज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए, और इधर स्टोरेज मैनेजमेंट के नीचे आपको मिलता है स्टोरेज सेंस, तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। अब इसे डिसेबल करने के लिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऑप्शन अच्छा तो है जो ऑटोमेटिकली आपकी टेम्परेरी फाइल को डिलीट करता है एक रेगुलर टाइम पे, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप इस काम को मैनुअली करिए, अपने से करिए। इसी ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे टेम्परेरी फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, सारी टेम्परेरी फाइल मिलेगी, जो भी आपको डिलीट करना है आप खुद से सिलेक्ट करके इस काम को यहाँ पे करिए। अगर आप यही काम छोड़ देंगे स्टोरेज सेंस पे तो ये ऑटोमेटिकली सारी फाइल को डिलीट करेगा, और इवन ये बैकग्राउंड में रन होने की वजह से थोड़ा सा कंजप्शन भी आपके रिसोर्सेज का बढ़ाता है, तो इस ऑप्शन को भी आप डिसेबल कर लीजिएगा। अब इसके बाद गाइस हमें हाइबरनेशन को भी डिसेबल करना है। हाइबरनेशन भी एक ऐसा फीचर है जो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा से गिरावट दे सकता है, तो अगेन अगर आप इसका यूज़ नहीं करते या रेयर यूज़ करते हैं, बहुत काम नहीं है, तो हाइबरनेशन को भी आप डिसेबल करिए। और इसके लिए आपको अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करना है, टाइप करना है cmd, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए, यस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड आपको टाइप करनी है, powercfg.exe/hibernate-off, एंटर कराइए, और हाइबरनेट अब आपका यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कमांड है, ये कमांड भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप कॉपी पेस्ट करके भी इसको रन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसके बाद गाइस आपको ये भी देखना है कि आप अपने कंप्यूटर को यहाँ पे नीट एंड क्लीन रखिए, तो उसके लिए अगेन आप राइट क्लिक करो विंडोज आइकन पे, सेटिंग्स में जाइए, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा ऐप्स, इस पर क्लिक करिए, इंस्टॉल्ड ऐप्स पे क्लिक करिए, और इधर जितनी भी एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ नहीं करते आप उसे यहाँ से डिसेबल करिए या तो अनइंस्टॉल करिए। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिलेगी आपको, लाइक कोपायलट है तो आप इसे यहीं से अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप कोपायलट का यूज़ नहीं करते, तो ये एक तरह का ब्लोटवेयर है जिसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कोपायलट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लूँगा। फीडबैक हब है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं अनइंस्टॉल कर लूँगा। मेल एंड कैलेंडर नहीं यूज़ करता तो अनइंस्टॉल कर लेंगे। मैप का यूज़ नहीं है, इसे भी अनइंस्टॉल कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 का भी काम नहीं है तो इसे अनइंस्टॉल कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम का भी काम नहीं है तो इसे भी हम राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम है तो मुझे टीम का भी यूज़ नहीं है, इसे भी अनइंस्टॉल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, इसको भी अनइंस्टॉल करेंगे। न्यूज़ का यूज़ नहीं है तो इसे भी अनइंस्टॉल कर लेंगे, एंड सो ऑन गाइस। देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, कितने सारे ब्लोटवेयर हैं जिनको आप मैनुअली बिना किसी टूल के ही यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? तो गो हैड, जितने भी हैं इन सब को यहाँ पे आप डिसेबल करो, अनइंस्टॉल करो। और इसी तरह से अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको आपने इंस्टॉल कर रखा है लेकिन अब आप उसका यूज़ नहीं करते तो उसे भी यहाँ से जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? अब इतना काम करने के बाद ऑलमोस्ट आपका ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइस में कोई वायरस या मैलवेयर या इन्फेक्शन भी है, तो उसके लिए गाइज एक टूल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो विंडोज सिक्योरिटी का स्कैन भी रन कर सकते हो, लेकिन एक फ्री टूल है जो मैंने कई सारी वीडियोस में मेंशन भी किया है, उसका नाम है यहाँ पे हिटमैन प्रो। आप इस टूल को यहाँ पे रन करा सकते हो, आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलता है। फ्री 30-day ट्रायल पे आप क्लिक करो और स्कैन करो, और जब सारा काम हो जाए अब फाइनली आपको अपने सिस्टम को यहाँ पे रिस्टार्ट करना है। और रिस्टार्ट करने के बाद मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ कि अब आपको एक स्मूदर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको लैग वगैरह का इशू था तो वो भी आपका रिजॉल्व होगा, और ओवरऑल जब आप काम करोगे तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ गाइज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है, जो कि है आपका ब्राउज़र। अगर आपके ब्राउज़र में आपको स्लो परफॉर्मेंस मिल रहा है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको अलग से ऑप्टिमाइज करिए, उसकी टेम्परेरी फाइल वगैरह को डिलीट करिए। ठीक है, तो गाइज तो हमारा सिस्टम भी इधर रिस्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगर टास्क मैनेजर को ओपन करें और अगर परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो बूम गाइज अब आप देख लो, हमने किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं किया, और जो प्रोसेस काउंट है अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 155 और 160 था, वो अब रिड्यूस होकर यहाँ पे 118-119 पे आ गया है। थ्रेड काउंट जो हमारा 2000 था, आप कंपेयर कर लेना बैक जाके वीडियो में, 1700 है अब हमारा, जो कि 2000 पहले था। हैंडल काउंट जो अराउंड 60,000 था, वो अब रिड्यूस होके आ गया है 43,000 पे। तो अब इन सब ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब आपको वाकई में फ़र्क देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और एक आपने सेफ तरीके से ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे कर लिया है। तो होपफुली गाइज आपने सारे मेथड को यहाँ पे केयरफुली अप्लाई किया होगा, और अब अगर आप रिस्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। बस मेक श्योर, अगर आपको ये पहली बार में फ़र्क देखने को नहीं मिलता या छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कई बार मल्टीपल रिस्टार्ट कर लेना, और एक से दो दिन के बाद कभी कदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एंड दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।